कभी डेरी मिल्क के ऐड से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली ये एक्ट्रेस आज बॉलीवुड में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है। कभी केवल ऐड फिल्म्स तक सीमित रहने वाली ये एक्ट्रेस आज अपनी एक्टिंग के दम पर सब लोगों के दिल पर राज कर रही है। इनका सपना तो था एयर पायलट बनने का, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतनी फेमस बॉलीवुड स्टार बन गई? आइए जानते हैं इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस दिशा पटानी के पूरे सफर के बारे में। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग सुमो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ट्रेंडिंग सुमो की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दिशा पटानी का जन्म 13 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ, लेकिन कई जगह पर इन्होंने अपनी बर्थ डेट 27 जुलाई 1995 बताई है। हालांकि उम्र जो भी हो, दिशा पटानी सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस लिस्ट में शामिल है। इनके पिता जगदीश पटानी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक डीएसपी ऑफिसर है और इनकी माँ एक हाउसवाइफ है। इनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी आर्मी में ऑफिसर है और वहीं दिशा का एक भाई भी है जिसका नाम सूर्यांश पटानी है। बात करते हैं इनके बचपन की, तो दिशा जब छोटी थी तो वो काफी शरारती थी। उस वक्त उनके घर में नया टेलीफोन आया था। वो और उनकी बहन मिलकर किसी को भी फोन मिलाते और कहते थे कि हाय मैं माता बात कर रही हूँ। वो किसी को भी फोन मिलाते थे और परेशान करते थे। बात करें इनकी एजुकेशन की, तो दिशा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरेली में पूरी की, जहां वो क्लास में हेड गर्ल हुआ करती थी। 2011 में बरेली से इंटरमीडिएट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ आ गई। यहाँ पर उन्होंने लखनऊ की एमएडी यूनिवर्सिटी में बायोटेक में एडमिशन ले लिया। 2012 में दिशा की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। दिशा का बीटेक का सेकंड ईयर चल रहा था। उस वक्त दिशा को पता लगा कि मध्य प्रदेश में मिस पेंटलून कंपटीशन होना है। इसके जरिए ब्रांड के मॉडल को चुना जाना था। दिशा की भी इच्छा हुई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। इनके पापा पुलिस में थे, इसलिए उनके पास दिशा के साथ जाने की फुर्सत नहीं थी और उनकी बड़ी बहन भी उस वक्त आर्मी में ट्रेनिंग में थी। फिर भी अपनी जिद और जुनून के दम पर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और दिशा इस पहले कॉम्पिटिशन में मिस पेंटलून बनकर निकली, जिसके बाद तो वो मॉडलिंग के क्षेत्र में एक के बाद एक खिताब अपने नाम करती गई। दिशा फेमना मिस इंडिया इंदौर कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी है। साल 2015 में दिशा ने कैडबरी डेयरी मिल्क के ऐड से काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद उन्होंने कई फेमस ऐड फिल्म्स में काम किया। मॉडलिंग के दौरान ही जब दिशा ने फिल्मी दुनिया में जाने की चाहत जताई तो इनके पिता ने रिश्तेदारों की बातों की परवाह किए बिना खुशी खुशी हाँ कर दी। दिशा की चाहत को ही उनके मम्मी पापा ने अपनी चाहत मान ली और उनके खुले आसमान में परवाज भरने की छूट दे दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। दिशा ने अपने करियर की शुरुआत लोफर मूवी से की, जो तेलुगु भाषा में थी। साल 2016 में दिशा पटानी को टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्रे में काम करने का मौका मिला। उसी साल दिशा को धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड का रोल निभाने का रोल मिला। ये फिल्म दिशा और सुशांत की फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। साथ ही ये फिल्म सुपरहिट रही और दिशा के हिस्से में कई अवार्ड्स भी छोड़ गई। इस फिल्म से दिशा की एक्टिंग लोगों के जहन में बस गई। इस फिल्म की सफलता के बाद दिशा ने साल 2017 में जैकी चैन की इंडो चाइनीज फिल्म कुंग फू योगा में काम किया। इस फिल्म ने दिशा को इंटरनेशनल स्टार बना दिया। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बाद दिशा पटानी ऐसी तीसरी एक्ट्रेस है जिन्होंने हॉलीवुड में सफलता से काम किया है। इस मूवी के लिए दिशा ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली। दिशा के अपने रोल और फिटनेस के प्रति लगाव को देखकर जैकी चैन बहुत खुश हुए और उन्होंने दिशा को एक जैकेट गिफ्ट किया जिस पर उनका नाम लिखा था। उसके बाद दिशा साल 2018 में टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में नजर आई। ये फिल्म भी जबरदस्त कमाई और पॉपुलैरिटी पाने में कामयाब रही। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो टाइगर श्रॉफ और दिशा के अफेयर को लेकर कई रूमर्स सुनने में आते हैं। एज अ फ्रेंड टाइगर ने दिशा को कई एक्टिविटीज और स्टंट्स करने में मदद की है। दिशा पटानी आज बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी है जिन पर लाखों लोग फिदा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और सुनो, ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहाँ वहाँ मत घूमो, सब्सक्राइब करो ट्रेंडिंग सुमो।